मारुति कंपनी की जैन कार में तीन आरोपी सहित लगभग 72 लीटर देसी शराब हुई जब्त। गौरतलब है कि कार में पुलिस लिखा हुआ था। आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बीना पुलिस ने नई बस्ती में एक कार से 8 पेटी देसी शराब को जब्त करके तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जिस कार से शराब लाई जा रही थी उस कार में पुलिस लिखा हुआ था। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक सफ़ेद कलर की कार कुरवाई की ओर से बीना आ रही है। कार में शराब होने की सूचना मिली थी। थाना प्रभारी कमल सिंह एवं उनकी टीम को देखकर शराब से भरी कार लेकर भागने लगे आरोपी। तभी पुलिस की सतर्कता ने कार से 8 पेटी शराब के साथ साथ तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि शराब विदिशा जिले से ला रहे थे। आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की है। इंडिया खबर लाइव के लिए बीना से सचिन पवार की एक रिपोर्ट। तो हम लोग को मुखबिर से सूचना मिली कि एक अल्टो गाड़ी जिसका नंबर है 04V4319, इसमें अवैध शराब आ रही है। उसके मुखबिरी के उस पर हम लोगों ने प्रयास किया तो ब्रिज के नीचे मनोज शर्मा के घर के सामने जाके हम सफल हुए पकड़ने में। ड्राइवर भाग गया था जिसका नाम था कुलदीप। दो लोग और बैठे हुए थे, अनुराग और रितेश। और जब हम लोगों ने पकड़ा कुलदीप को तो कुलदीप ने बताया कि कोई ग्रेवाल करके हैं, रमनदीप ग्रेवाल, जो मोटरसाइकिल से आगे आगे जा रहा था, उसी के कहने पर हम शराब लाए हैं लायरा कलारी से। रमनदीप भाग गया है, उसकी भी हम तलाश में हैं। और जो विदिशा कलारी है लायरा के पास, उसके गद्दीदार पे भी कार्रवाई की जाएगी। हमने 34/2/42 के अंतर्गत कार्रवाई की है और उसकी विवेचना में जो और भी तत्व आएंगे उसके आधार पर हम और लोगों को मूल्य बनाएंगे। 8 पेटी गाड़ी पे पुलिस हाँ, इस पे भी अपन उसके पूछेंगे किसकी गाड़ी है, कैसे है, इन सब तथ्यों की जांच होगी। कि पुलिस हो सकता है पुलिस इस वजह से लिखाई हो कि कोई पकड़े ना, उनका उद्देश्य यही होगा आरोपियों का। उस संबंध में भी अपन सब तथ्यों पे जांच करके अंतिम निष्कर्ष पर पहुंच के उसके अंतर्गत भी धारा बढ़ाई जाएगी।